ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 33 ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਸਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੈਂਪ ਡੋਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੂਆ ਸੋ ਹੂਆ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ AKS ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। और जो मजबूत सरकार इनके साथ इतनी सारी चीजें संभालने की ताकत रखती है भाइयों, कांग्रेस की क्या सोच रही है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कांग्रेस की इसी सोच के कारण 1984 के सिख दंगों के मामले में आज तक सभी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया। जब इनसे इंसाफ के बारे में पूछा जाता है तो यह अहंकार में कहते हैं हुआ तो हुआ। इनका अहंकार बोलता है हुआ तो। साथियों, दिल्ली में हजारों सिखों को घर से बाहर निकाल करके मार दिया गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है हुआ तो। किसी के पिता को, किसी के भाई को, किसी के बेटे को गले में टायर डालकर ईमानदारी नाल, निष्ठा नाल और नियत नाल हर लिहाज नाल डेवलपमेंट कर रहे हैं। जेडे देश नु चाहिए है, सुरक्षा की दृष्टि नाल यही कर सकते हैं, देश नु अगे बढ़ा सकते हैं, रोजगार भी ये दे सकते हैं। जब डेवलपमेंट होगी तो रोजगार ही होगा और सारे लोगों नु खुशहाली मिलेगी। पूरे देश च नहीं, विदेशों में इन्होंने इमेज बनाया, इन्हें कोई कंपेरिजन नहीं। दिस मैन स्टैंड नो कंपेरिजन, नो बॉडी कैन स्टैंड विद हिम। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए, मोदी जैसा कोई नेता नहीं। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਗੇ ਕਰ ਤਿਆ, ਇਹ 70 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਤਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੇਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 350+ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ
अभी मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा, रो रहा था बहुत बुरी तरह से, वो कह रहा था मैं मर जाऊंगा पर एक बार मुझे मोमबत्ती से मिला दो। हमने इतना समझाया, बहुत रोया, हमारे पास उसकी वीडियो भी है कि वो बच्चा कैसे रो रहा है। उसको देख के लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी जबकि उस बच्चे को ये नहीं पता उन्होंने क्या करा है क्या नहीं है। उनको ये पता बच्चे को भी कि मोदी जी कोई है इंडिया में, जो कि आज तक कांग्रेस में किसी को नहीं पता था कि कौन प्रधानमंत्री है कौन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। मोदी जी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही नहीं विदेशों में भी जहाँ पे भी वो गए हैं वहाँ पे भी मोदी जी का नाम भारत माता की होती है तो होती है तो होती है तो हर हर मोदी हर हर मोदी बंदे 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 बंदे। मैं रैली ग्राउंड तो बोल रहा प्रहलाद सिंह पत्रकार जो अशोक कुमार जी के नाल साडे जिहड़े अशोक कुमार जी गर्ग ने साडे ब्यूरो चीफ उन्होंने नाल असीं रैली ग्राउंड कवर कर रहे सीगे। असीं इस रैली दे नाल इस गल नूं समाप्त कर दिया कि लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा मोदी उत्ते है, जो लोग मोदी नूं बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं। जिथे कि रैली हो रही है मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है हर मोदी हर घर मोदी 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। थैंक यू जी। अज मोदी साहब की सैक्टर 34 के रैली हो रही है, जी रैली हुई तुम की कहना चाहोगे किस तरह की रैली रही की बहुत ही कामयाब रैली रही है और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा मिलता है। अच्छा तो मैं चंडीगढ़ टीम के एज ए अध्यक्ष पूरा समर्थन देते हैं हम चंडीगढ़ की टीम का और मोदी सरकार और क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए हैं चंडीगढ़ के लिए लोगों के लिए और क्या क्या आप उनको आ सकते हैं कि क्या इनका ये है इनका। 5 साल में पिछले जो काम हुआ है अभी काम कुछ बाकी जाएगी तो 5 साल में हो जाएंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार सत्ता में आ सकती है चंडीगढ़? बिल्कुल पहले से ज्यादा उसमें संख्या में आएगी। अच्छा जी, पूरी कामयाबी से। और क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के आज के दौरे पे ये जो जो रैली हुई उसमें लोग बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, लोग काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो मीडिया के लोग मोदी जी की स्पीच सुन के लोग इससे बहुत प्रभावित हुए हैं और जो पहले उससे ज्यादा बड़ी वोट मिलेगी पिछली बार से ज्यादा हमारे को इस टाइम बीजेपी पूरी कामयाब। और क्या कहा मोदी जी ने लोगों के लिए यहाँ के लोगों के लिए क्या ये करना चाहेंगे आपके लिए ये भाजपा सरकार आएगी तो टैक्स की छुट्टी मिलेगी पहले जैसे जीएसटी आया जीएसटी से लोगों को बहुत फायदा क्योंकि जो पहले एक्साइज थी एक्साइज खत्म हो गई है एक्साइज के बाद तो जीएसटी वो खत्म हो गई है तो केवल एक जीएसटी है जीएसटी से लोगों को मिलने की जैसे आम बाजार ये सर हमारे साथ एक व्यापारी मंडल के प्रधान श्री रविंदर जैन जी जिन्होंने गल करके पता लगे कि मोदी सरकार के आने वाले समय के बहुत ही आसान सानू इन्हां दे नाल जो भी उन्होंने अज कहा असी उन्होंने नाल सहमत हैं ता कि इस रैली दे विच अज जिहड़े लोग आए हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये अज की रैली जिहड़ी बड़ी इतिहासिक रैली है अज तो पहला ये रैली अज तक कदी नहीं हुई है ये असी तुहाडे नाल सांझे करदे हां विचार एक एस न्यूज वास्ते पत्रकार प्रहलाद सिंह अशोक कुमार गर्ग दे नाल चंडीगढ़ तो एक एस न्यूज। जय हिंद जय भारत। हाँ जी कोई अपना भाई साहब को ले लो जी। आओ जी आओ आओ जी हाँ चलो चलो। आज की जी रैली हुई है चंडीगढ़ के बीच तुझे की कहना चाहोगे मोदी साहब? बहुत पसीना रही है छोटी निकल जाएगी क्योंकि इन्होंने अपनी एक ग्राउंड लेवल से बड़ी अच्छी मेजोरिटी है बहुत अच्छा कैडर है जिसे वजह से देखो चारों पासे चारों सेक्टर आसे पास हर सेक्टर खड़े हो जगह ही नहीं जगह
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੋ 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਦੀ ਹੋਏਗੀ? 100% ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਲੇ ਮੋਦੀ ਹੂਜ ਮੋਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਹੈ, 350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ